एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कथित तौर पर खून का थक्का जमने की कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका के टीके को कोविशील्ड नाम से बना रहा है, जो इसका भारत में इस्तेमाल हो रहा है। मरीजों में खून का थक्का मिलने के बाद कई देशों ने इसके प्रयोग पर रोक लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने साल 2020 में पूरी दुनिया को परेशान किया। साल 2021 आते आते कई देशों ने वैक्सीन का इजाद कर लिया। कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोर शोर से चल भी रही है। वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत भी शामिल है। भारत ने नए साल के मौके पर दो वैक्सीन को मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन की मांग कई देशों ने की थी। भारत ने कई देशों को इसकी सप्लाई भी की, लेकिन अब भारतीय वैक्सीन पर कई यूरोपीय देश सवाल उठा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह परेशान दुनिया के कई देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद मरीजों में ब्लड क्लॉट के मामले सामने आए हैं। इसने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर डेनमार्क, नॉर्वे और इटली समेत 6 मुल्कों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग पर रोक लगा दी है और वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जाँच शुरू कर दी गई है। Ben, in the Republic of Ireland, the statement was issued this morning that it would be suspending the use of the Oxford-AstraZeneca vaccine following those reports from Norway. The European Medicines Agency, the European regulator and the World Health Organization have said there's no evidence to establish a link between getting the vaccine and these thrombolytic events. Denmark के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कुछ मरीजों में वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉट देखने को मिले, इसलिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रयोग को फिलहाल रोक दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक बयान जारी कर कहा कि ये कदम एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन को लगाने के बाद लोगों में ब्लड क्लॉट के गंभीर मामलों की रिपोर्ट आने पर उठाया गया है। हालांकि बयान में सावधानी पूर्वक ये जरूर कहा गया कि अभी ये निर्धारित नहीं किया गया कि वैक्सीन और ब्लड क्लॉट के बीच एक कड़ी है, लेकिन जाँच जारी है। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि कुछ मरीजों में वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉट के मामले सामने आए हैं, इसीलिए एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉट के गंभीर मामलों की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से जारी बयान में सावधानीपूर्वक तरीके से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पुख्ता तरीके से यह साबित नहीं हुआ है कि वैक्सीन के इस्तेमाल और ब्लड क्लॉट के बीच कोई एक कड़ी है, लेकिन फिलहाल जांच जारी है। इससे पहले ऑस्ट्रिया ने ऐलान किया कि इसने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बताया गया कि 49 साल की नर्स को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके शरीर में खून के थक्के जमने लगे, जो उसकी मौत का कारण बन गए। दूसरी ओर अन्य यूरोपीय देशों ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगा दी है। वैक्सीन पर रोक लगाने वाले अन्य देशों में एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, बुल्गारिया शामिल है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 17 यूरोपीय देशों में भेजा गया है। यूरोप की यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का बचाव किया। इसने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ऑस्ट्रिया में उपयोग किए गए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बैच को संभवतः नर्स की मौत के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। ईएमए ने किया बचाव। ईएमए ने बताया कि 9 मार्च तक यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से केवल 22 लोगों में वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉट के मामले देखने को मिले। हालांकि डेनमार्क ईएमए के इस बयान से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा और उसने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रयोग को रोक दिया है। डेनमार्क हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर सोरेन ब्रोस्ट्रॉम ने कहा, ये बताना महत्वपूर्ण है कि हमने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग करने से मना नहीं किया है, बल्कि हम केवल इसके उपयोग को फिलहाल के लिए रोक रहे हैं। डेनमार्क में वैक्सीन लगने के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं ईएमए ने इस व्यक्ति की मौत के मामले में जाँच शुरू कर दी है। इन सब के बीच एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन का बचाव करते हुए कहा कि इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि इसे लगाने के बाद खून का थक्का जमने जैसा कोई खतरा है। वहीं ब्रिटेन सरकार का भी कहना है कि उसके यहाँ लोगों में खून का थक्का बनने से जुड़ी कोई सूचना नहीं मिली है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका टीके की 1,01,00,000 से ज्यादा खुराकें लोगों को दी गई है। बात अगर एशियाई देश की करें तो थाईलैंड ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी है। बहरहाल फ्रांस, पोलैंड, नाइजीरिया ने कहा है कि वो टीके का इस्तेमाल जारी रखेंगे और राष्ट्रीय नियामक भी इस संबंध में जाँच करेंगे।
इन सबके बीच एस्ट्राजेनिका ने अपनी वैक्सीन का बचाव करते हुए कहा है कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वैक्सीन के इस्तेमाल के कारण खून का थक्का जमने जैसा कोई खतरा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।